कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। पॉस्को एक्ट रेप के अलावा अन्य धाराओं में आरोप तय किया गया है। ब्रजेश ठाकुर समेत छह आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। ब्रजेश ठाकुर, किरण कुमारी, विजय तिवारी, रमाशंकर सिंह उर्फ मास्टर जी, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू और विक्की के खिलाफ आरोप तय किया गया है। अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। तो पॉस्को एक्ट रेप के अलावा कई और मामलों में भी आरोप यहां पर तय किए गए हैं। पूरे मामले की सुनवाई दरअसल दिल्ली की पॉस्को एक्ट में अदालत में हो रही है, साकेत में, जहां तमाम धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। ब्रजेश ठाकुर पर आरोप तय कर दिया गया है और इसी के साथ ही ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द ही इस पूरे मामले की सुनवाई हो और जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कर रही है साकेत कोर्ट। इसी में तमाम जो आरोपी हैं जो पकड़े गए थे सभी को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है और साकेत की पॉक्सो अदालत में इसको लेकर सुनवाई हो रही है। आज ब्रजेश ठाकुर पर आरोप तय कर दिए गए हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोप तय कर लिए गए हैं। जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र जी, ब्रजेश ठाकुर पर आरोप तय कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आरोप तय कर दिए हैं। विशेष बात है कि उनके साथ 13 और जो आरोपी थे, अब तक 13 पे और 20 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, तो 20 का आरोप तय होने और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 6 महीने में पूरी सुनवाई पूरी करना है, ये कहें कि 6 महीने में सजा हो जानी है, तो अब जाहिर सी बात है कोर्ट उसी अनुसार साकेत कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जिस तरह ट्रांसफर हुआ था केस, तो जाहिर सी बात माना जा रहा था कि अब जो कार्रवाई है कोर्ट की वो लगातार आगे बढ़ेगी, तो उसी क्रम में ये आरोप तय हुआ। और जैसा कि जिस तरह से कांड था, जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बिहार की या कहीं मुजफ्फरपुर की पूरा कांड को लेकर जो छवि थी उसको एक बड़ा धक्का लगा था और जिस तरह छोटे छोटे बच्चियों के साथ पूरा घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे। और जाहिर सी बात इसका जो मास्टरमाइंड है ब्रजेश ठाकुर है और उसको शैलेंद्र रुकना चाहेंगे इस वक्त। सुमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए इसी खबर को लेकर, सुमित से बातचीत करते हैं। सुमित, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आज क्या कुछ हुआ, खबर है कि ब्रजेश ठाकुर पर आरोप तय कर दिया गया है। सुमित, देखिए इस पूरे मामले में ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी है। इसके अलावा जो अब तक की अगर बात की जाए तो 13 आरोपियों के खिलाफ जो है वो चार्ज फ्रेम यानी कि आरोप तय कोर्ट ने कर लिए हैं। आज ब्रजेश ठाकुर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। जो जिन धाराओं में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं वो बेहद अहम है राजेश, जिसमें पॉस्को एक्ट है के अलावा बलात्कार के अलावा अन्य धाराओं में आईपीसी की धारा 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है इन धाराओं में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। इसके अलावा जो बाकी 5 आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कोर्ट ने आज उन्हीं धाराओं में जो है आरोप तय किए हैं। अब तक की अगर बात की जाए राजेश तो 13 आरोपियों के खिलाफ जो है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। बाकी जो बचे 7 आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है आरोप तय सोमवार को यानी कि 11 मार्च को दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी उसके बाद की जाएगी। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में मुख्य आरोपी जो ब्रजेश ठाकुर है उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि पॉस्को एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले में जोड़ा गया था और उन्हीं धाराओं में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ये पाया है कि जो भी आरोप सीबीआई ने लगाए थे उसे तय किया जाता है, यानी कि अब ट्रायल की प्रक्रिया जो है सचमुच में जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि आरोप तय हो चुके हैं। इन आरोपियों के कोर्ट के संज्ञान में ये आरोपी माने गए हैं। एक तरह से कानून जो भाषा में कहा जा सकता है कि कोर्ट के एक तरह से कोर्ट के लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि ये आरोपी अब माने गए हैं सचमुच में। तो आईपीसी की धारा 120B, पॉस्को एक्ट और बलात्कार की धाराओं में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और जो बाकी बचे जो आरोपी हैं 7 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को यानी कि 11 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी उनमें आरोप तय किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा अपडेट इस पूरे केस में है और आने वाले दिनों में ये जरूर कहा जा सकता है कि ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही ट्रायल पूरा किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 महीने में साकेत कोर्ट जो है वो ट्रायल को कंप्लीट करे।
बिल्कुल एक टाइम फ्रेम है, उसी के भीतर इस पूरे मामले की सुनवाई करनी है। और जाहिर सी बात है कि अब यहां से कह सकते हैं कि आरोपी मान लिया गया है और यहां से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं ब्रजेश ठाकुर की। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपने सुना सुमित दिल्ली से हमें क्या कुछ बता रहे थे इस पूरे मसले को लेकर। शैलेंद्र जी, जी बिल्कुल, जो सुमित कह रहे थे वो तो जाहिर सी बात की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह से पूरा कांड रहा है, जिस तरह से पूरा ये कहे कि जो नेटवर्क था, जो रसूख था, उसको लेकर लगातार बात हो रही थी। और जैसे इसके जैसे पहले ब्रजेश ठाकुर को उसके रसूख के चलते भागलपुर जेल से भी उसको ट्रांसफर किया गया था पंजाब की जेल में, और उसके बाद जिस तरह की चीजें हुई है, जिस तरह से ये पूरा केस आगे बढ़ा, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। और जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट बार बार करता रहा, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे आरोपियों के रसूख के खिलाफ रहा हो, तो ये है कि ये मामला इतना बड़ा है और इतना गंभीर है कि इस मामले में तो एक नजीर बननी ही चाहिए। और सबकी यही मांग है, सब लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह घिनौना कांड था, इसमें जितनी जल्दी हो सके, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी है, तो 6 महीने के अंदर ही इसमें जो आरोपी है उनको सजा मिल जाएगी, और तब एक कहे कि न्याय जो है वो न्याय सामने आएगा इस मामले में। चूंकि जब से यह कांड खुला है, तब से बिहार की छवि को एक बड़ा धक्का लगा है, जिस तरह छोटे छोटे बच्चियों को और किस स्थिति में रखा जाता है, तो और किस तरह का रसूख था, चूंकि एक पत्रकार के तौर पे जो ब्रजेश ठाकुर है, संपादक के तौर पे, मालिक के तौर पे जाने जाते हैं और लंबे समय से वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए थे, और उसके बाद जिस तरह से उनका पूरा नेटवर्क था उसको खंगाला गया, उसको ध्वस्त एक तरह से किया गया है। अब वो बालिका गृह है जो जहां यातनाओं का केंद्र था, उसको भी जो बीच में ध्वस्त किया जा रहा था, फिर उसकी कार्रवाई शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि यहां से अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जल्द ही इस पूरे मामले पर फैसला भी साकेत की पॉक्सो अदालत से आ जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरीके से ब्रजेश ठाकुर की पेशी हुई है। सुमित हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सुमित, हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है। हम आपको बताते हैं कि बिहार में तमाम ये विपक्ष की पार्टियां कहें या सत्ताधारी पार्टियां कहें, इसको मुद्दा बनाती रही हैं, तो यहां से जिस तरीके से टाइम पीरियड दिया गया है कि 6 महीने के भीतर इसकी सुनवाई हो, सुमित जल्दी से बताइए कि यहां से मामला कितना टाइम लग सकता है। देखिए, टोटल जो आरोपी हैं इस केस में 20 आरोपी हैं और 13 आरोपियों के खिलाफ जो है वो चार्ज फ्रेम यानी कि आरोप तय किए जा चुके हैं। बाकी 7 आरोपियों की के खिलाफ जो आरोप तय किए जाएंगे उसके बाद जो है सही तरीके से जो है ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, और जो भी आरोप यहां सीबीआई की ओर से यहां लगाए गए हैं चार्जशीट में जो सीबीआई ने तमाम बातों का जो जिक्र किया है उस पर विस्तार से जो है वो सुनवाई होगी, और प्रोसिक्यूशंस जो है इस केस में और या फिर बचाव कह लीजिए दोनों के बीच में जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद बिल्कुल ये तय करेगा कि क्या यहां से कह सकते हैं सुमित कि सजा की तरफ ये पूरा मामला जा रहा है। और मुजफ्फरपुर की नाबालिग बेटियों को जिस तरीके से वहां पर लड़कियों को रखा गया था, उन्हें अब इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है, इंसाफ आप कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। सुमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।